मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव के साथ खाने वाली लहसुन की सूखी चटनी, वही चटनी जो मुंबई में वड़ा पाव के साथ आपको लगा कर देते हैं, सूखी चटनी, वही चटनी आज हम बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनेगी, बिल्कुल वही टेस्ट होगा। तो चलिए जाएंगे हम चटनी, ये जो लहसुन की चटनी होती है सूखी चटनी, वो बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, गैस नीचे से ऑन कर ली है और इसमें 8 से 10 जो लहसुन के फ्लेक्स हैं वो डाल लेंगे, यानी कि लहसुन की कलियाँ, और इसको हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमने लहसुन की, आपने देखा होगा, ये कलियों को हमने छीला नहीं है, छिलके के समेत ही इस तरह से इसको डाल देंगे, इसको बिल्कुल छीलना नहीं है। इसी तरह से अगर आपने मुंबई स्टाइल ये वड़ा पाव खाया है तो आपने देखा होगा कि चटनी के हल्के हल्के छिलके जो बीच में ही आते हैं, तो इसी तरह से इसको रहने देंगे, चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इसको हल्का हल्का 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया, हमने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया। अब इसको बाहर निकाल लें, अब इसमें डालेंगे लाल सूखी मिर्चें, 8 से 10 सूखी मिर्चें डाल देंगे लाल, और इसको भी 2 मिनट तक भून लेंगे, बिल्कुल हल्के फ्लेम में इसको भूनेंगे। अगर आपका फ्लेम तेज़ है तो आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनें, क्योंकि ज़्यादा इसको हमने नहीं भूना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर जो है हमने खत्म किया। मैंने जो है इसको मीडियम फ्लेम में भूना है, 1 मिनट हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब फ्लेम को हल्का कर लेंगे और इसमें डालेंगे कच्ची मूंगफली। तो हमने इसमें 1/2 कप जो है कच्ची मूंगफली का डाल लेना है, थोड़ा सा छिलका निकाल लें, और थोड़ा सा इसी तरह से भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो सबके छिलके निकाल सकते हैं। इसको भी बिल्कुल हल्के फ्लेम में 2 मिनट तक भून लें। 2 मिनट हो चुके हैं, मूंगफली भी आप देख सकते हैं हमने अच्छे से भून ली है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप के करीब सूखा नारियल, ये हमने कद्दूकस कर लिया है। फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ आधे मिनट के लिए ही इसको भूनेंगे। कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है तो इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ना भूनें, नहीं तो ये जो है इसका ऑयल निकलने लगता है। 1/2 मिनट हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं नारियल को हमने भून लिया और इस तरह से निकाल लिया। ये नारियल जो हमने यूज़ किया है वो गोला नारियल है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये गोला नारियल होता है, तो ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप को ना मिले तो मैं इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूँगी, आप परचेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मिक्सी के छोटे जार में इसको डाल देंगे, जो चीज़ें हमने भुनी है सब चीज़ों को, हमने अलग अलग इनको इसलिए भुना है क्योंकि अलग इन सब चीज़ों का भुनने का टाइम पीरियड जो है अलग अलग होता है, इकट्ठा भुनेंगे तो ये ठीक से नहीं भुनी जाएंगी। तो लीजिए मिर्चों को भी डाल देते हैं और इसके साथ डाल देते हैं अपने लहसुन। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ छोटे से मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, सिर्फ 1/3 स्पून। इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च, MDH की देगी मिर्च हम यूज़ करेंगे, उसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया आता है, तो ये 1/2 चम्मच जो है हम इसमें MDH की देगी मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। हमने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, इसको चेक कर लेते हैं। तो लीजिए आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा जो है ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये गार्लिक पाउडर है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, इसे आप कई चीज़ों के साथ खा सकते हैं, जैसे कि आप इसे इडली के साथ खा सकते हैं, उस पर लगाएं बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे सैंडविच में लगा सकते हैं बहुत ही यमी लगता है, आप चाहें तो इसको डोसे के साथ भी खा सकते हैं, कई चीज़ों के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये बनकर हमारा तैयार हो गया है वड़ा पाव का गार्लिक पाउडर, महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव जब आप जो आप खाते हैं, और उसके अंदर जो गार्लिक चटनी सूखी चटनी बनी होती है वही चटनी है ये, वही टेस्ट है महाराष्ट्र का, बिल्कुल सेम टू सेम जो है ये टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया ये चटनी बनकर हमारी लहसुन वाली तैयार हुई है। आप इसे वड़ा पाव में लगा कर खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा। वड़ा पाव की रेसिपी भी मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जो है डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। जब वो आप वड़ा पाव बनाएंगे और ये चटनी उसमें लगा कर खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप महाराष्ट्र में बैठ कर ही खा रहे हैं, बहुत ही यमी है ये, बहुत ही टेस्टी चटनी है। आप इसे सैंडविचेस में भी लगा कर खा सकते हैं, इडली में भी जो है आप इसके ऊपर लगा कर इसको खा सकते हैं, डोसे के ऊपर जो बेस है डोसा बनाकर उसके ऊपर आप लगाएं इसको, तो ये चटनी का मज़ा ही कुछ और हो जाता है, साथ में डोसे का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।